बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है। तू कहाँ चली इतनी बनठन के? तू तो बड़ी जल्दी तैयार हो, बड़ा लाल सा दुपट्टा ओढ़ के। तेरी कहाँ की तैयारी होगी? अब तूने बताया भी कुछ नहीं। हाँ तेरे से ही पूछू, मैं तैयार होकर जा रही हूँ ताई जी के घर। कीर्तन का बुलावा नहीं आया तो थारे सामने ही तो आया था। वहीं जा रही तैयार होकर, बस चूड़ी और डाल लूँ। वैसे तो दो तीन दिन है, ये और डाल लूँ और जब जा रही। अच्छा और तो तुझे किसने कह दिया वहाँ जाने? क्या सुबह वाली बात कुछ ज़्यादा सीरियस लेगी दिखे? उस लुंडे का आगे मन ने वैसे बोल दिया तो तू सचमुच में सोच रही कि तुझे मैं भेज दूंगी? हैं मैं भी तो कहूँ अरे हैं अपना आप ही तो तुमने सुबह में कहा मेरा दर्द हो रहा जब वो बुलावा देना आई थी। हैं मेरे बस की नहीं है। वालुंडी बोल रही भाभी को भेज दियो, जब तो तुमने बड़ी जल्दी कह दी थी हाँ आ जाएगी। मैं क्या मना करूँ, अब जब मैं तैयार होगी मैंने अपना सारा काम निपटा लिया, अब तुम्हें क्या दर्द है? अब जब तुमने उसके सामने कह दी थी तो अब क्या दर्द है? अब तो मैं तैयार होगी, अब तो मैं जाऊंगी और मुझे तो माता रानी के कीर्तन में जी लगा, मैं तो जाऊंगी। हाँ तो उसका आगे बहस करती मैं तेरे से, जैसे जैसे वो कह रही थी तब तो मैं चल ठीक है कर दी, उसका आगे तेरे साथ बहस करती। और दर्द ना मेरा सुबह था, अब नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने आप को जाऊंगी। तुझे भेज दो कीर्तन में भी सही, अभी तो हमारी वो हमारी सासू ने हमें जब काटी, जब अपने आप को बिल्कुल रिटायर हो गए घर पर बैठ गई थी जब जान लगे थे हम, तो मैं अभी से भेज दूँ। इतना न पंख काटती मैं, अगर तो मैं रास्ते में घुमाऊंगी। ए भगवान कितनी दोगली लुगाई, उस लोंडी के आगे तो तुमने कह दी अगर वो आ जाएगी और अब तुम कह रही कि मैं जाऊंगी तू नहीं जानेगी। ऐसा ना करना तू, उसके सामने ऐसा करवा के वो तो उन्हें कह देगी जाकर अपनी माँ से दादी से, अगर उसने दादी ने तो कह दी थी जानेगी भाभी की, भाभी ना आई। अच्छा सारे में बदनाम मैं ठाणे को मेरी है, अगर यो अपनी मर्जी से चला सासू को कहे में ना चलती। अनु ना पता सासू कितनी दोगली है, किसी के मुंह पर कुछ बताओगी किसी के मुंह पर घर का कुछ और काम बता देती ना, घर के काम से फालतू तो वो काम नहीं हुआ था, सारा दिन घर का काम ना निपटता। और अब देख उल्टा सीधा ऐसा कर फट देसी निपटा का काम है, कितनी जल्दी 12 बजे से 1 बजे तक तैयार होकर खड़ी होगी। अभी ना मैं जाना तू जब तक मैं जिंदा, ठीक है तो मैं रास्तों पे दगड़ों पे घुमा दूँ, ठीक है हंडा दूँ तुम्हें। फलाने की बहू देखी, किसी की भी बहू जो देखी हो सारी बुढ़िया जाओ। हाँ तो मैं क्या जा रही थी, अपना आप ही तो तुमने सुबह कहा जाने को, जब तो मैं जाकर तैयार हुई। वैसे तो मुझे पता था सख्त तो मुझे हो रहा था, मगर ऐसी तो भली इतनी है नहीं जो इतनी जल्दी मुझे जाने को भेज दे। जब तक जाके वहाँ 2-3 बुढ़ियाओं के बीच में बहुओं की चुगली ना करी जाए, इतना तो चैन भी नहीं पड़ने का, अपने की भी करेगी और दूसरे की भी सुनेगी, ठीक है जब तक चैन नहीं पड़ने का। और जब बहू चली जाएंगी तो फिर वो काम कैसे होगा, दूसरे की चुगली सुनेगी कैसे घर बैठ कर? और फिर यो भी खतरा कहीं मेरी बहू जाकर मेरी चुगली ना कर दे, तो इसलिए बहुओं को तुम घर से बाहर ना काटा करो, बहुओं को तो घर में ही रखो, ठीक है। क्यों इंसान का ये तो बात है, जैसा हो उसे दूसरा इंसान ऐसे नजर आवे। अब जब हम जाकर चुगली करेंगे तो ये बात है कि बहू जाकर मेरी चुगली करेंगी। नूना पता है कि हम अपने सासू के बारे में घर से बाहर गलत से गलत बिल्कुल ना बोलते। हाँ हाँ ज़्यादा ना बोल, तुझे ज़्यादा पता मैं वहाँ क्या करूँगी क्या ना करूँगी, ठीक है मैं जा रही हूँ और काम निपटा लिए जो और बाकी करा रहे। कभी मेरे हाल तो मुझे पता, मेरे लिखते कान पर फोन लग जाएगा सब सही। हाँ तुम तो जाओगी, जाओगी तो चले जाओ, मुझे तो यो था मगले चल भाई दरा दुरा धुरा हम चले जाएंगे कोई बात ना, पर इनके अलावा घर में से कोई लिकट जा जी क्या मजा, भजन कीर्तन तो ऐसे ही होंगे वहाँ से, कीर्तन में भजन तो ऐसे ही गाए जाएंगे, ठीक है चली जाओ। आओगी तो घर वापिस ही, जैसा सुबह दर्द हो रहा था ना ऐसा आके मेरा पावेगा दर्द, मैं भी अपना पटरी और अपना सिर बांध के, सुबह तो थारा दर्द था अपना दर्द मेरा पावेगा, आके शाम की रोटी बना देगी ना जब सारा चुगली और सारा घूमना फिरना सब लिगड़ जाएगा। मेरा भी भैया दर्द हो गया, मैंने भी अपना सिर बांध लिया और मैं भी पढ़ रही, ठीक है आ जाओ जल्दी से तुम भी घूम घाम के, ना तो मैं भी
मिल गया दर्द का नजारा मेरा भी तो भैया।